मंडल के कमिश्नर का पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी बुधवार को मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे और पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अपने कार्यालय में जरूरी फाइलों को निपटाने के साथ फरियादियों की फरियाद भी सुना। इस दौरान मंडलायुक्त ने मौके पर मौजूद एडिशनल कमिश्नर अजय कांत सैनी से फरियादियों के समस्याओं के त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो मैं डीएम था जब आते थे, पति ने आपको तो वो पेंशन नहीं देता था। हाँ बेटा, हमारे पास वतन नहीं था, बहुत परेशान है बेटा। वो क्या वो रिटायर्ड तो हो गया था आपका पति? हाँ बेटा, उसके पास नहीं है, मोबाइल पे करा दिया। नहीं आपको अम्मा आप बैठ जाओ पहले। प्रिंसिपल बता दीजिए, 500 रुपया बिजली का देते हैं, ढाई हजार मकान का किराया, कुछ नहीं बन पा रहा। पेंशन क्यों नहीं बन पा रही आपका? पेंशन बन गया लेकिन बढ़ नहीं रही। बैठा रहना सर, सर सर मतलब आप अभी कितना पेंशन मिल रही है? 3000 हम बनाना चाह रहे बेटा, हम मकान नहीं है बेटा, हमारे पास एक मकान। आपका आपका मोबाइल नंबर ऐसे करो सर, इनका नंबर लिख लो ठीक है जी। तो वो पति ने छोड़ दिया था उसी समय जी, मोबाइल पे चला दी। नहीं मैंने हड़का करके आपको पैसा तो दिलवाया था जी, तो उसके बाद नहीं रखा। हाँ बेटा मिल गया, और इस पर स्थगन मिल गया है। हाँ स्थगन यहाँ से मिल गया है, निर्माण का कर भी रहा है। हाँ और वहाँ से हमारा भी जमीन होते हैं। क्या रोकना चाह रहे हो? हमारा जो है वो स्थगन मिला दिल का बरहस तहसील। हाँ बरहस तहसील देवरिया। देवरिया यहाँ से मुकदमा चल रहा है जी, इसलिए है जी। फिर आप उसके आगे क्या चाह रहे हैं? आप हमारे इसके नहीं अच्छा, इसलिए उसने किया जो लाएगा उसके उसका हुआ होगा।